हेलो फ्रेंड्स, 5G जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है 2019 में। और फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 5G की एंट्री बहुत ही जल्दी होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, 5G फ़ोन का क्या? तो अगर देखा जाए ना, जो 5G फ़ोन से ना एक कंफर्म हो गया है कि वो बहुत सारे फ़ोन इंडिया के अंदर आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इनमें से जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग 5G फ़ोन से ना जो कन्फर्म हो गया है, जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स उन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस लिस्ट में आता है सैमसंग गैलेक्सी S10 का 5G वर्जन। जब सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च हुआ था तो उसी के साथ एक स्पेशल 5G वर्जन को भी अनाउंस किया था, जिसके अंदर हमें देखने को मिला था एक्सिनस 5100 5G मॉडम, क्वाड कैमरा का सेटअप और 4500 mAh की बैटरी देखने को मिला था। लेकिन फ्रेंड्स, उस फोन का जो प्राइस था कंपनी ने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन जब USA में कुछ टाइम के बाद लॉन्च होने वाला है, तब हमें इस फोन की प्राइस पता चल जाएगा। और उसके कुछ टाइम के बाद ये फोन इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है और ये फोन इंडिया में आने वाला पहला 5G फोन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, देखना होगा कि जो पहला 5G फोन जो इंडिया में आने वाला है, इसका प्राइसिंग क्या होता है। और इसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो सैमसंग ने अभी कंफर्म कर दिया है कि वो गैलेक्सी फोल्ड को भी इंडिया में लॉन्च करेगा। लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के एक 5G वर्जन में भी काम कर रहा है। और फ्रेंड्स, जो 5G वर्जन है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड का, वो भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये फोल्डेबल फोन है तो काफी ज्यादा महंगा फोन हो सकता है। और फ्रेंड्स, बात अगर फोल्डेबल की कर रहे हैं तो हुआवे को कैसे भूल जाए, क्योंकि हुआवे ने अपने मीट एक्स जो कि फोल्डेबल फोन था उसे लॉन्च कर दिया। और अभी तक उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि हुआवे मीट एक्स जो इंडिया में आने वाला है, और ये भी कंफर्म है कि हुआवे मीट एक्स में आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। यानी कि फ्रेंड्स, वो 5G मॉडम को सपोर्ट करेगा जो हुआवे ने बनाया है। तो हुआवे ने अपने मीट एक्स के साथ 5G का जो फोन है ना वो इंडिया में लॉन्च कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये फोल्डेबल फोन होने वाला है और इसका प्राइसिंग होने वाला है काफी ज्यादा। इसी के साथ फ्रेंड्स, LG भी अपनी 5G फोन को लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम है LG V50 ThinQ। और ये फोन उन्होंने अभी MCW में अनाउंस किया था, जो कि स्नैपड्रैगन 855 पे रन करता है। और इसके अंदर हमें क्वालकॉम का X50 का सपोर्ट देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ये जो LG V50 ThinQ मॉडल है, ये फोन भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा OnePlus 7 का 5G एडिशन, यानी कि एक स्पेशल एडिशन का OnePlus 7 देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 और क्वालकॉम का X50 मॉडम देखने को मिलेगा और 5G सपोर्ट के साथ आएगा, जो कि लॉन्च होने वाला है कुछ टाइम के बाद। यानी कि फ्रेंड्स, पहले हमें OnePlus 7 देखने को मिलेगा, उसके कुछ टाइम के बाद देखने को मिलेगा OnePlus 7 का 5G वर्जन। और ये फोन पहला फोन होने वाला है OnePlus की तरफ से जो कि 5G के साथ आएगा, और हो सकता है सबसे ज्यादा अफोर्डेबल फोन्स में से हो जो कि 5G को लेके आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये भी पॉसिबल है। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर बात करें तो ओप्पो भी इस लिस्ट में आता है। यानी कि फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओप्पो ने अपने एक सब ब्रांड खुला है जिसका नाम है रेनो, जो कि 5G फोन को मैन्युफैक्चर करता है, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलेगा और 10 टाइम लॉसलेस ऑप्टिकल जूम भी देखने को मिलेगा। और ये फोन 5G सपोर्ट के साथ आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ी दिक्कत है इस फोन के साथ कि ये फोन थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। और अगर हम ओप्पो की बात कर रहे हैं तो वीवो को कैसे भूल जाए, क्योंकि जो वीवो है ना वो एक सब ब्रांड आइको के साथ एक 5G फोन को इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जो कि फ्लेक्सिप फोन होने वाला है और स्नैपड्रैगन 855 के साथ आएगा, और इस फोन में 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा महंगा होने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, वीवो भी एक 5G फोन को लाने में तैयारी में है। इसके साथ फ्रेंड्स, Xiaomi भी पूरी तैयारी में है कि वो अपने एक 5G फोन को लॉन्च करे, और ये जो फोन होने वाला है हो सकता है आपको Mi सीरीज के अंदर देखने को मिले, लेकिन ये 5G वर्जन आपको शायद Mi Mix 3 में देखने को ना मिले। यानी कि फ्रेंड्स, एक सेपरेट MI सीरीज के अंदर एक ऐसे फोन को लॉन्च कर दे Xiaomi, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिले और 5G का सपोर्ट देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम देखने को मिले। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि Xiaomi अपने पोको सीरीज के अंदर 5G को लॉन्च कर दे। यानी कि फ्रेंड्स, पोको F2 लॉन्च होगा और कुछ टाइम के बाद उसी फोन का एक स्पेशल एडिशन निकाल के दे दे, जिसके अंदर आपको 5G सपोर्ट देखने को मिले, तो ये चीज भी पॉसिबल है। इसके बाद फ्रेंड्स, सैमसंग की तरफ से एक और 5G फोन देखने को मिल सकता है, और वो हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 5G। इस फोन के बारे में उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स इतना कंफर्म है, जब सैमसंग गैलेक्सी S10 का 5G वर्जन इंडिया में लेके आएगा तो नोट 10 का जो 5G वर्जन है ना वो भी इंडिया में लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि नोट 10 का 5G वर्जन का प्राइस क्या होता है।
इसके साथ गूगल पिक्सल 4 में भी आपको 5G वर्जन देखने को मिल सकता है, यानी कि 5G सपोर्ट के साथ एक पिक्सल वर्जन भी आ सकता है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से हर कंपनी 5G के पीछे भाग रही है, तो गूगल भी अपने पिक्सल के साथ एक 5G फ़ोन को लॉन्च कर दे तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो बाकी फ्रेंड्स, आप लोग किस 5G फ़ोन के इंतज़ार में हो, तो ये बात आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।